सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा और देश सिद्धि पर रोक का फैसला सुनाया, कांग्रेस में खुशी की लहर दौड़ गई। अधीर रंजन चौधरी समेत तमाम कांग्रेस सांसद तो संसद परिसर में ही पूरे जोश में वी फॉर विक्ट्री का नारा लगाने लग गए। ट्विटर पर कांग्रेस सत्य की जीत का जश्न मनाने लग गई। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर कार्यकर्ता खुशी से नाचने लगे, झूमने लगे। ये स्वाभाविक भी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब राहुल गांधी के नाम के साथ वायनाड के पूर्व सांसद का ठप्पा भी हट गया है। राहुल गांधी की न सिर्फ संसद सदस्यता बहाल होने जा रही है बल्कि उनके 2024 का चुनाव लड़ने पर छाए संशय के बादल भी हट गए हैं। लेकिन ऐसे में एक सवाल है जो इस समय सभी के मन में चल रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद 2024 के लिहाज से सब कुछ बदल जाएगा, बीजेपी की बढ़ेगी चुनौती या आसान होगी राह। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने और 2024 में उनके चुनाव लड़ने का रास्ता साफ होने से सत्ताधारी एनडीए खासकर बीजेपी की चुनौती बढ़ने वाली है। संसद में अब राहुल गांधी की पहले से भी कड़े तेवरों के साथ वापसी होने जा रही। मौजूदा दौर में राहुल गांधी बिना किसी शक के विपक्ष के सबसे असरदार नेता और नरेंद्र मोदी अगुवाई वाली केंद्र सरकार के खिलाफ सबसे मुखर आवाज हैं। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक वो मोदी सरकार को घेरते आए हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी एक परिपक्व और जुझारू नेता की छवि उभरी है। इससे कहा जा सकता है कि बीजेपी की चुनौती आने वाले समय में काफी ज्यादा बढ़ेगी। विपक्षी गठबंधन INDIA के सहयोगी दलों के लिए क्या संदेश? सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को मिली राहत के बाद विपक्षी गठबंधन INDIA के कुछ सहयोगी दलों की चुनौती भी बढ़ने वाली है। राहुल गांधी के चुनावी परिदृश्य के बाहर देखकर विपक्षी गठबंधन के कई सहयोगी दलों की प्रधानमंत्री पद की हसरत परवान चढ़ रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद परिस्थितियां बदल गईं। अब इन नेताओं की हसरत मुंगेरी लाल के हसीन सपने में तब्दील हो सकती है। बीजेपी से ज्यादा झटका तो ममता बनर्जी को। टीएमसी चीफ और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पीएम पद की महत्वाकांक्षा किसी से छिपी नहीं है। राहुल गांधी के सीन से गायब होने को टीएमसी अपने लिए मौके के रूप में देख रही थी। वही अब राहुल गांधी की वापसी से उनकी चुनौती जरूर बढ़ गई है। प्रियंका गांधी वाड्रा का इंतजार। आपराधिक मानहानि मामले में सजा से राहुल गांधी की संसद सदस्यता छीनने के बाद राहुल गांधी वाड्रा को कांग्रेस के भीतर केंद्रीय भूमिका की मांग जोर पकड़ रही थी। राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ सकते थे, लिहाजा प्रियंका गांधी वाड्रा के लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस को अब किसी भी प्लान बी की जरूरत नहीं पड़ेगी।